हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है JKSSB की तरफ से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए, PWD कैटेगरी के लिए, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो कैटेगरी है उसके लिए है। यहाँ पर एनेक्शर ए एंड एनेक्शर बी दिया गया है। एनेक्शर ए में जम्मू वालों का है, एनेक्शर बी में कश्मीर वालों का है। जम्मू वालों का जहाँ पर होगा, डिविजनल ऑफिस J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सहकारी भवन, पनामा चौक, जम्मू। और कश्मीर वालों का होगा J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल ऑफिस, जमजम बिल्डिंग, रामबाग, श्रीनगर। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो ये आपको ओरिजिनल में लेकर जाने हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी आपके पास वो होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th का डिप्लोमा या मार्कशीट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट, डिप्लोमा, अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको एडिशनल वेटेज मिली है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ लगाने हैं, जिसके बेसिस पर आपको वेटेज मिली है। तो फॉर्मेट यहाँ पर इसी के साथ दिया गया है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रेलिवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड द बोर्ड शैल टेक एन अप्रोप्रिएट व्यू बेस्ड ऑन द नॉर्म्स गवर्निंग द सब्जेक्ट। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनके लिए यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि क्वालिफ़िकेशन जो है 10th के बराबर या इसके बराबर होनी चाहिए, या 12th है तो इसके बराबर होनी चाहिए, तो उनके लिए है ये पॉइंट। उसके अलावा एफिडेविट एक आपको चाहिए, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, जिसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो लिखी होनी चाहिए, मिनिमम 10th एंड मैक्सिमम 10+2। अट्ठाईस अगस्त 2020 से पहले पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है होनी चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन है। बाकी ये पॉइंट आपको वहाँ पर एफिडेविट में मेंशन करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो होनी चाहिए, जो ओरिजिनल आप दिखाओगे उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे आपको बताए हैं, इस तरीके से लिस्ट आप देख सकते हो। तो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी यहाँ पर दी गई है, तो आप अपने नाम के आगे चेक कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसका। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।